झांसी महानगर के नवावा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर उस समय हंगामा मच गया जब एक नाबालिग लड़की को ठेले पर जंजीरों में बंधे हुए यात्रियों ने देखा। जंजीरों में बंधी लड़की की मां ने बताया कि उसकी पुत्री अभी नाबालिग है और उसका तालपुरा निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके चलते वह उस युवक के साथ दो बार भागने का प्रयास कर चुकी है, जिसके लिए उसने पहले भी मंडी चौकी में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा लड़की पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज उसकी पुत्री फिर उस युवक के साथ भागने की फिराक में थी। किसी प्रकार लड़की को पकड़ लिया और उसका प्रेमी भागने में सफल हो गया। काफ़ी समझाने पर भी वह नहीं मानी तो लड़की के हाथ पैरों में जंजीर बांधकर ताला डालकर उसे काबू में कर लिया। लड़की को जंजीरों में जकड़ा देख वहां लगी लोगों की भीड़ ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल हुए वीडियो में जंजीरों में बंधी लड़की के साथ मारपीट की भी की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति जो रोडवेज का कर्मचारी बताया जा रहा है, लड़की को गंदी गंदी गालियां दे रहा है और मारपीट भी कर रहा है। सूचना पर पहुंचे अपना दल एस के जिला अध्यक्ष विजय कछवारे ने बताया कि लड़की नाबालिग है और इस तरह सरेआम उसको जंजीरों से बांधना मानवता का हनन है, इसलिए मां के द्वारा पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। मौके पर मंडी चौकी प्रभारी ब्रजेश कुमार ने लड़की को जंजीरों से आज़ाद कराया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मेरा नाम विजय कछवारे है, मैं अपना दल से जिला अध्यक्ष हूँ गठबंधन भाजपा सरकार से। हमें सूचना मिली कि मौके बस स्टैंड पे 6 बजे से एक लड़की को जंजीरों से बांध रखा है। मुझे जब सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आया तो वाकई लड़की को जंजीरों से बांध रखा है। इसकी माता से मेरी बात हुई, कह रही कि मैंने पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायत की है, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही हमारी, इसीलिए मैंने बांध रखा है। इनकी माता का कहना है कि लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और लड़की मेरी नाबालिग है। यदि इनकी लड़की नाबालिग है तो लड़के के ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए, जो कि कार्रवाई होने चाहिए। हमारा मानना अगर बालिग है लड़की तो लड़की की स्वेच्छा से उस लड़के की शादी करा देनी चाहिए, मगर ये कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि लड़कियों को ऐसे जंजीरों से बांध रखे, जो एक अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन ने कहा है कोऑपरेट कर रहे हैं, थाने लेके जा रहे हैं, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्यारे दोस्तों, इस बार की ईद को सबके साथ ही यादगार बनाइए, लजीज व जायकेदार सिवई और सूत फैनी घर ले जाइए। रमजान की सहरी और इफ्तार में खाएं, खुद भी खाएं और अपने दोस्त यारों व रिश्तेदारों को भी खिलाएं। जी हां, अब आपको झांसी जाने की जरूरत नहीं, सूत फैनी व बनारसी सिवई अब आपके नगर बबीना में भी झांसी रेट से भी कम दामों पर उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए, स्टॉक सीमित है। हमारा पता जायकेदार ऑमलेट वाला लक्की स्वीट के सामने मैन रोड बबीना कैंट। कॉन्टैक्ट प्रोप्राइटर मोहम्मद शफीक 7651992958 7007487798।